नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं वरेंद्र शर्मा एस चंद के यूट्यूब चैनल टेस्ट प्रिपरेशन में। आज हमारा टॉपिक नंबर रहेगा 44, जो कि रहेगा नंबर सीरीज पर आधारित। पूर्णतः जो टॉपिक है वो श्रृंखला सीरीज है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है, और इन मेथड का यूज करते हुए आप किसी भी सीरीज को आसानी से कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना कंसेप्ट नंबर 1। सबसे पहले हमें याद रखना है कि वर्क आपको कम से कम 1 से 30 तक के स्क्वायर याद रखने हैं। हमें 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद रखने हैं। मैं आपके सामने स्क्वायर लिख देता हूं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 9 होता है, 16 होता है, 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 49, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर होता है आपका 400, 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529, 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का स्क्वायर होता है 625, 26 का स्क्वायर होता है 676, 27 का स्क्वायर होता है 729, 28 का स्क्वायर होता है 784, 29 का स्क्वायर होता है 841 और 30 का स्क्वायर होता है 900। देखिए, हमें मैंने आपसे बोला है कि आपको 1 से 30 तक के जो स्क्वायर है वो याद रखने हैं, क्योंकि सीरीज के अंदर स्क्वायर का यूज सबसे ज्यादा होता है, चाहे वो गैप में हो या नंबर के अंदर हो। दूसरा जो इसमें कंसेप्ट हमें याद रखना है, 1 से 10 तक के क्यूब। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। तो हमें मिनिमम 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद रखने हैं, ये हमारा सेकंड कंसेप्ट बनता है, और क्यूब के बहुत सारे क्वेश्चन भी सीरीज के अंदर बनते हैं। तीसरा जो कंसेप्ट है हमारा होता है सम नंबर। सम संख्याएं होती हैं जो संख्या 2 से विभाजित हो जाएं। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं उनको सम संख्या कहा जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 .. अगला आपको ऑड नंबर भी याद रखने, अर्थात विषम संख्या। विषम संख्याएं होती हैं आपकी जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, इस तरीके से आप लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो ये सारे के सारे हमारे ऑड नंबर हैं जिनको हमें ज्ञात होना चाहिए। इसके बाद होते हैं हमारे प्राइम अभाज्य नंबर। ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होते हैं वे संख्याएं जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं। वे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं उसको आपको प्राइम नंबर कहना है। तो पहला जो प्राइम नंबर होता है वो आपका 2 होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 .. तो सारे के सारे प्राइम नंबर आपको याद होने चाहिए। एग्जाम के अंदर सीरीजों में प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट भी बनता है और जो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं होती हैं वे संख्याएं जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उसको भाज्य संख्या कहा जाता है।
जैसा कि पहला जो भाज्य नंबर है वो चार है, चार के बाद आएगा छ, छह के बाद आएगा आठ, नौ, डॉट डॉट। तो हमें सारे के सारे भाज्य नंबर याद होने चाहिए, अभाज्य याद होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए। तो ये आपके जो मेन कंसेप्ट बनते हैं, और आपको डिफरेंस आना चाहिए, आपके गुणा, भाग, प्लस, माइनस, ये कुछ कंसेप्ट है जो सबसे ज्यादा सीरीज में यूज किए जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। 3, 5, 8, 12, 17 क्वेश्चन मार्क 30। एक सीरीज आपको दी जाती है, उस सीरीज में जहां पे भी क्वेश्चन मार्क आपके सामने दिया जाए, उस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी जाती है। तो आपको सबसे पहले ये ज्ञात करना है कि ये किस नियम को फॉलो करता है। तो देखिए, सारे के सारे जो नंबर आ रहे हैं वो आपने देखा, ये आसपास की संख्या है। जब आसपास की संख्या होती है तो इस क्वेश्चन में या तो प्लस वाला यूज है या माइनस, या तो इसमें गैप प्लस में चल रहा है या माइनस में। अगर दूर दूर नंबर होते हैं या तो गुना में चलता है या स्क्वायर में चलता है या क्यूब में चलता है। तो आपने देखा 3, 5, 8, 12, 17 क्वेश्चन मार्क और 30। अगर हम इन दोनों संख्याओं का गैप देखेंगे तो 2 बनेगा, अगली संख्याओं का गैप आएगा 3, उसके बाद आएगा 4, इसके बाद आएगा 5। तो आपने देखा 2 का गैप, उसके बाद आपका 3 का गैप, फिर 4 का गैप, उसके बाद 5 का गैप, इसके बाद जो आपका गैप बनेगा वो 6 का बनेगा। तो अगर आप इसमें 6 जोड़ेंगे 23 बनेगा 6 का गैप, और इसके बाद आपका 7 का गैप बनेगा। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 23। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा 91, अर्थात इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो आइए अगले क्वेश्चन पे। 5, 16, 29, 46, 65, 88 क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है। जो क्वेश्चन मार्क हमारे पास है, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? तो देखिए, इनमें जो गैप आ रहा है, सबसे पहले गैप हम देख लेते हैं 11। 11 के बाद आपका जो गैप आ रहा है वो बनना है 13 का, इसके बाद हमारा जो गैप है वो 17 है, इसके बाद जो गैप आ रहा है वो 19 आ रहा है, 19 के बाद जो गैप आ रहा है वो 23 आ रहा है। तो हमने देखा यहाँ पे जो गैप है, 11 में 2 ज्यादा 13, 13 में अगर आप 2 प्लस करेंगे तो 15, जो कि डिफरेंस को फॉलो नहीं करता है। अब आपने देखा ये जो आपका गैप बनना है ये प्राइम नंबर में बनना है, ये सारे के सारे आपके प्राइम नंबर है 11, 13, 17, 19, 23। तो ये हमारे ऑल प्राइम नंबर दिए गए हैं कि जो डिफरेंस मारा है वो प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब 23 से जो अगला प्राइम नंबर बनता है वो 29 बनता है। तो अगला जो गैप बनेगा वो 29 का होना चाहिए। अगर आप इसमें 29 जोड़ेंगे तो 17, और 8, 2, 10 और 1, 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बनेगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात 91। नेक्स्ट। 235, 346, 457 क्वेश्चन मार्क अगला आपसे पूछा जा रहा है। 235, 346, 457 नेक्स्ट। देखिए, अगर इसको ध्यान से हम देखें तो ये सारे के सारे नंबर आसपास के नंबर हैं, और आपको यही आपको अनुमान लगाना है कि इनमें जो गैप आपका निकल के आ रहा है, क्या वो दूर दूर गैप आ रहा है या अंतर पास पास है। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, पहला अंक 2, उसके बाद 3, फिर 4, इसके बाद आएगा 5। सेकेंड नंबर को देखेंगे 3, 4, 5, इसके बाद आएगा 6। तीसरा नंबर देखेंगे 5, 6, 7 और 8। या आप एक काम और भी कर सकते हैं, इन दोनों में गैप आपका बनना 111 है, इन दोनों में भी गैप 111 है, और इन दोनों में भी गैप बनेगा 111। तो आप इनमें अगर 111 का गैप लेते हैं तो आंसर हमारा आएगा 568, 568, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ये वाली जो सीरीज आपके सामने आ रही है, इस सीरीज में भी आपने देखा है कि सारे जो अंक हैं, सारे जो संख्या हैं, वो सारी आसपास के नंबर हैं। जब सारे नंबर हमारे आसपास के होते हैं तो इसका मतलब इसमें भी जो लॉजिक निकल के आता है वो भी गैप का लॉजिक बनेगा। ठीक है, आप इन दोनों में अंतर देखना चाहते हैं, देखिए इधर से बढ़ते हुए क्रम में, या आप उल्टा देख लो। अगर आप इन दोनों का गैप देखते हैं, 5690 में से 5121 यदि माइनस करेंगे तो ये बचेगा 9, ये बचेगा आपका 6, बचेगा 5, यानी 569 कम है। अगर आप अगले दो का गैप देखेंगे
5121 में से माइनस करना है 4552, ये बनेगा 9 और 2 11, 6 और 5 11 और 5 और 5 10। तो आपने देखा ये जो संख्याएं हैं आपकी वो 569 कम हो रही हैं। हमने जो गैप देखा उन दोनों में जो गैप आ रहा है 569 का गैप आ रहा है, ये भी आपका 569 कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, तो इसमें से 569 कम करेंगे। 569 की यदि आप कमी करेंगे 9 और 6 15 7 6 13 और 7 में से 5 गए 2 बचेगा 2, तो आंसर आएगा हमारा 2276 अर्थात ऑप्शन नंबर ए। 2 6 20 और 30 देखिए इनमें जो गैप आ रहा है वो आ रहा है आपका 10 का गैप। या एक काम कर सकते हैं, 1 का वर्ग 1 ज्यादा, 2 का वर्ग 2 ज्यादा, 3 का वर्ग 3 ज्यादा, 4 का वर्ग 4 अधिक, 5 का वर्ग 5 अधिक, या तो गैप देखें या स्क्वायर से देखें। आपको एग्जाम में डायरेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेंगे, या तो स्क्वायर डायरेक्ट स्क्वायर से 1 ज्यादा मिलेगा या जिसका स्क्वायर है उतने नंबर कम भी किए जा सकते हैं। तो इसमें जो लॉजिक आपका निकल के आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 ज्यादा, 2 का स्क्वायर 2 ज्यादा, अब आना चाहिए 3 का स्क्वायर 3 ज्यादा, जिसका स्क्वायर है उतने ही अंक आपके ज्यादा हैं। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, ये बनेगा आपका 4 का स्क्वायर 4 ज्यादा, नेक्स्ट बनेगा 5 का स्क्वायर 5 अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा 12 बनेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। देखिए 30 46 78 126 190 270 पूछा जा रहा है आपका जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह कौन सी वैल्यू बनेगी। सबसे पहले हमने देखा है ये सारे जो अंक हैं वो बिल्कुल क्लोज हैं, सारे डिजिट हमारी आसपास की डिजिट हैं, तो सबसे पहले हमें इनका गैप चेक करना है, क्योंकि हो सकता है इस क्वेश्चन में गैप वाला लॉजिक हो, क्योंकि जब नंबर आसपास के होते हैं तो उसमें पूरा चांस होता है कि गैप का लॉजिक रहता है। अगर इनका गैप देखेंगे तो 16, इनका गैप देखेंगे 32, अगला गैप अगर आप देखेंगे 48, इनका गैप देखेंगे तो आप 64 बनेगा, इनका गैप देखेंगे तो 80 बनेगा। तो देखिए एक ये टेबल को फॉलो करते हैं, टेबल हमारी 16 2 32 48 64 80 और फिर आएगा 96 का गैप। अगर इसमें 96 आप प्लस करते हैं तो ये हमारा आंसर आएगा 366 जो कि ऑप्शन नंबर निकलेगा डी। तो हमें देखिए गैप यहाँ पे फॉलो करेंगे और एक टेबल आपको दी गई है, इनमें गैप आपका 16 है, अगला गैप 32 48, ये 16 की टेबल में आपके सारे के सारे डिजिट बने हैं। नेक्स्ट 0.5 1.5 3 5 आएगा 7.5 आएगा 10.5 आएगा, इसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। पूछा जा रहा है जो क्वेश्चन मार्क आपका लगाया गया इसकी जगह कौन सी वैल्यू निकल के आएगी। हमने देखा इसके भी जो ऑप्शन है बिल्कुल क्लोज हैं, तो सबसे पहले आपको गैप पे जाना है। अगर इन दोनों संख्याओं का आप गैप देखेंगे तो 1 है, दोनों का गैप देखेंगे 1.5 है, इनका गैप बनेगा आपका 2, अगला वाला आपका गैप बनेगा 2.5, इसके बाद अगला गैप 3 है और इसके बाद आएगा 3.5। तो 10.5 में अगर 3.5 हम जोड़ते हैं तो आंसर निकल का आएगा 14 जो कि ऑप्शन नंबर रहेगा आपका बी। नेक्स्ट 4/9 सेकेंड है 9/20, तीसरा आपसे छिपा दिया गया है, चौथा आ रहा है 39/86। ये देखते हैं अब आप इसको देखेंगे, इनमें गैप आ रहा है आपका 5 का 5, अब देखिए पीछे 9 है, अगर 5 का डबल 10 करेंगे 19 और 19 का डबल करेंगे तो 29, इसका मतलब इस क्वेश्चन में डबल वाला लॉजिक है। तो 5 का डबल अगर आप करते हैं 10 जो कि आएगा 19 और इसका डबल आप करते हैं तो आएगा 20। तो सेम आप नीचे करेंगे 11 का गैप है 11 का डबल अगर आप करते हैं तो 22 आएगा और 22 में 20 और 22 होते हैं 42 और इसका डबल करेंगे तो 44 आएगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा 19/42 निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको वैल्यू देखने के बाद आपको थोड़ा फास्ट यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है,
क्योंकि अंतर भी हो सकता है, योग भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो देखें, 12, 21, 16, 23, 12, 25 पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी। जैसा कि हम पीछे अपने कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हमें आइडिया लगना चाहिए कि इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है। देखिए लॉजिक आपके 6 या 7 ही लॉजिक मेन होते हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। उनमें से अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 18, 21, 16, 23, 12, 25 और क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हमें ये देखना है कि सारे के सारे नंबर जो आ रहे हैं आपके, संख्या जो आपके पास हैं, वो सारे आसपास के नंबर हैं। जब आसपास के नंबर होते हैं तो इसमें लॉजिक हमेशा याद रखना, प्लस माइनस या प्राइम नंबर, ये कुछ कंसेप्ट होते हैं जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो अगर आप इनका गैप देखेंगे तो ये देखिए इससे 3 ज्यादा है और ये इससे देखिए 5 कम है, ये वाला नंबर इससे 7 ज्यादा है, अगले वाला जो नंबर है इससे ये 11 कम है, पहले लिख लेते हैं सारा, और ये वाला नंबर इससे 13 ज्यादा है। अगर आप इनका एक सीक्वेंस यहां पे देखते हैं तो सीक्वेंस 3, 5, 7, 9 आना चाहिए, परंतु सीक्वेंस आपका सही नहीं बन पा रहा है। परंतु नंबर को देख के आपको एक आइडिया लगना चाहिए कि जो इनका जो गैप आपके सामने बना है वो सारे के सारे प्राइम नंबर आपके सामने बने हैं। प्राइम नंबर का अर्थ हुआ ये 3 अधिक है, ये 3, 5, 7, 11, 13, यानी कंटिन्यू आपका प्राइम नंबर का लॉजिक यहां लगा हुआ है। अब आपने देखा एक प्राइम नंबर का जो इनका जो गैप है, एक प्लस हो रहा है, अगले वाला माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, अगले वाला माइनस हो रहा है। तो इसके बाद देखिए यहां पे 13 के बाद अगला जो प्राइम नंबर आता है, 15 तो प्राइम होता नहीं है, 17, तो अगला जो गैप बनना चाहिए वो 17 का बनना चाहिए, और 17 देखिए इसमें से माइनस करना है। अगर 25 में से आप 17 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 8। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है ए। जर्नली बच्चे सोचते हैं कि इनमें गैप देखिए कंटिन्यू नहीं चल रहा है तो वो छोड़ देते हैं, परंतु आपको ये ध्यान रखना, अगर आपका गैप नहीं बनता है तो आपको प्राइम नंबर वाला लॉजिक भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 12/17, 13/16, क्वेश्चन मार्क 14/15, आगे लिखा हुआ है 10/19। पूछा जा रहा है जो क्वेश्चन मार्क हमारे पास है इसकी वैल्यू आपकी क्या बनेगी। देखिए 12/17 सेकेंड लिखा हुआ है, 13/16 तीसरा क्वेश्चन मार्क है आपका, 14/15 और आगे लिखा हुआ है 10/19। अब आपने देखिए ऊपर वाले जो नंबर अगर आप ध्यान से देखें तो फिर आपको आइडिया लग चुका है कि ये सारे के सारे जो संख्या है वो बिल्कुल आसपास की संख्या आपको दी गई है। तो अगर आप इन दोनों का गैप देखेंगे तो ये देखिए इससे 1 ज्यादा है और लास्ट में देखिए इससे 4 कम है। तो अब हम यहां पे सीक्वेंस बना सकते हैं, पहले 1 ज्यादा, आपने देखा एक नंबर अधिक है और एक नंबर आपका कम है, इसका मतलब इसमें जो लॉजिक है ज्यादा कम वाला के चांस जो बनते हैं वो सबसे ज्यादा बनते हैं। अब 1 ज्यादा, अगर आप इसमें से 2 कम घटाएं, 11 करें, 2 कम, आगे देखिए इसमें 3 ज्यादा है, उसके बाद आपका 4 कम है। तो हमने देखिए सीक्वेंस देखा, ऊपर 1 ज्यादा 2 कम, 1 उसके बाद 3 अधिक 4 कम, आते हैं नीचे। अब ये देखिए इससे 1 कम है, यहां पे देखिए 1 ज्यादा है 1 कम है, अब की बार 2 अधिक अगर हम करें तो ये बनेगा 18, उसके बाद 3 कम और सबसे लास्ट में आएगा 4 ज्यादा। तो आपका जो सीरीज है वो सेम है, परंतु ऊपर प्लस हो रहा था, नीचे माइनस से आपकी सीरीज स्टार्ट होती है। तो इस क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन आपका निकल के आया है वो आया है 11/18। तो इस सवाल का जो सही आंसर हमारा बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 क्वेश्चन मार्क 34। प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी सीरीज क्लियर होंगी, क्योंकि इसके लिए आपको स्क्वायर, प्राइम नंबर, इवन, ऑड, ये सब कुछ आपको याद रखना है, प्लस माइनस टेबल, ये सब कुछ इसमें यूज होता है। अगर इसमें आपको लॉजिक पहचानना है तो आप ये देखें, सारे के सारे जो नंबर है बिल्कुल क्लोज में नंबर आ रहे हैं, आसपास के नंबर है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें प्लस वाला लॉजिक छिपा हुआ है, क्योंकि बढ़ते क्रम में। अगर आप इसमें पिछला नंबर जोड़ें, 1 में 0 जोड़ोगे 1 आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा,
तीन में दो जोड़ेंगे पांच आएगा, पांच में तीन जोड़ेंगे आठ आएगा, आठ में पांच जोड़ेंगे तेरह, तेरह में अगर आप आठ जोड़ेंगे तो इक्कीस, और इक्कीस में यदि आप तेरह जोड़ेंगे तो चौंतीस बनेगा। तो इसमें देखिए जो आपका लॉजिक छिपा हुआ है वो पिछले वाला नंबर इसमें प्लस कर दिया है। पिछले वाला नंबर प्लस करेंगे वन, वन में वन जोड़ेंगे टू, टू में वन जोड़ेंगे थ्री, थ्री में टू प्लस करेंगे फाइव, फाइव में थ्री प्लस करेंगे एट, और एट में पिछले वाला प्लस करेंगे थर्टीन। तो आपने इस सीरीज में देखा कि हमारा जो पिछला नंबर है वो इस सीरीज में यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट, फोर सिक्स नाइन, ये हो गया आपका तेरह साढ़े तेरह। पॉइंट फाइव को आप वन बाई टू को पॉइंट फाइव भी लिख सकते हो या वन अपॉइंट टू भी लिख सकते हो, सिर्फ लॉजिक आपको पहचानना है। देखिए इनमें जो गैप आ रहा है वो दो का गैप है, आगे तीन का गैप है, दो तीन और साढ़े चार नहीं बात बनेगी। पहले दो का गैप, उसके बाद आपका तीन का गैप बना, फिर आपका साढ़े चार का गैप बना, तो सीरीज यहाँ पे कोई भी नहीं बनेगी। तो हमें देखना है चार से देखिए छह कैसे बने। अगर चार का डेढ़ गुना करेंगे तो छह बनता है, डेढ़ गुने का मतलब होता है तीन बटे दो। भाई डेढ़ गुने को आप लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे जीरो, पांच से तीन, पांच से दो, तीन बटे दो गुना। अगर छह का डेढ़ गुना करते हैं आप तो नौ बनता है। अगर नौ का आप डेढ़ गुना करते हैं, नौ एकम नौ और इसका आधा, मतलब जो नंबर आपको लिया गया है जैसे चार है उसका आधा जोड़ दिया, चार और दो छह। अगर छह नंबर आ चुका है तो इसका आधा लें, छह और तीन नौ, नौ लिया है तो नौ का आधा साढ़े चार, नौ और साढ़े चार साढ़े तेरह, अब साढ़े तेरह और इसका आधा साढ़े तेरह का अगर आप तीन बटे दो गुना करते हैं, तीन बटा दो गुना करते हैं, पॉइंट हटाएंगे जीरो आएगा, पांच से दो बार और पांच से सत्ताईस बार, तो ये आएगा इक्यासी बटे चार। इक्यासी को चार से डिवाइड कराएंगे, बीस से एक बटे चार। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हमारा निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बीस सही एक बटे चार। नेक्स्ट देखिए, वन 0.5, 0.25 और 0.125 पूछा जा रहा है इस सवाल में। अगले वाला जो संख्या है वो कौन से निकल के आएगी। पॉइंट से पहले जीरो की कोई भी वैल्यू होती नहीं है। अब आपको इन दोनों में रिलेशन देखना है। अगर आप रिलेशन देखें, अगर आप इसका रिलेशन देखें तो देखिए आप सभी, पांच पंजे पच्चीस, पंजे एक सौ पच्चीस, इसका देखिए ये पॉइंट पांच गुना है। वन में अगर पॉइंट फाइव से गुना करेंगे तो पॉइंट फाइव बनेगा, पॉइंट फाइव की गुना अगर आप पॉइंट फाइव से करेंगे तो ये बनेगा पॉइंट फाइव की। अगर आप दशमलव दो पांच में दशम पॉइंट फाइव की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये बनेगा। इसी तरह दशमलव एक दो पांच को यदि आप पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई करते हैं, आप इसकी पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा आपका 625, तीन और एक चार, चार के बाद आपका पॉइंट बनेगा। भाई जब आप इनकी गुना करेंगे तो तीन और एक चार, क्योंकि पॉइंट गुना में ऐड हो जाते हैं, तो चार के बाद आपका पॉइंट बनेगा 0.0625। हमारा जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पंद्रह तीस चालीस, देखिए पंद्रह तीस क्वेश्चन मार्क, चालीस आठ और अड़तालीस। चलो अगली सीरीज हमारे सामने है। देखिए ये इसमें डबल आ रहा है, ये इसका एक बटे पांच है और ये छह से गुना है। तो हमने इस क्वेश्चन में जो जो नंबर दिए हुए हैं पहले उनके बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश की है। आपने देखा गुना भी हो रहा है डिवाइड भी हो रहा है, क्योंकि बड़े नंबर से छोटा नंबर तभी आ सकता है जब डिवाइड करें। तो पहले दो की गुना, अगर आप इसको तीन से डिवाइड करते हैं क्योंकि एक बार डिवाइड करना है तो दस आएगा, और फिर इसका अगर आप चार गुना करते हैं तो हमारी जो सीरीज है वो सिक्वेंस मारी है, गुना दो डिवाइड तीन, गुना चार डिवाइड पांच, गुना सिक्स। तो हमारी जो सीरीज है वो बिल्कुल सिक्वेंस में आपकी बनती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर निकलेगा वो टेन निकलेगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। वन एट ट्वेंटी सेवन सिक्सटी फोर क्वेश्चन मार्क और 216 और 343, ये हमारे सामने एक सीरीज दी हुई है। मैंने आपको आज वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था आपको स्क्वायर और क्यूब अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर हो सकता है डायरेक्ट क्यूब रख दिए जाएं या उससे एक कम या एक ज्यादा, तो ये एक कम और एक ज्यादा भी आपको दिया जा सकता है।
जैसे कि इसमें एक सीरीज और भी बनती है आपकी 1, 7, 26, 64, 215, 342। अगर ये सीरीज भी आएगी तो भी आपको पहचानना है। इस सीरीज में देखेंगे ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, अगला नंबर आएगा 5 का क्यूब जो कि वो होगा 125, 6 का क्यूब और 7 का क्यूब। सेम अगर इसी तरह करेंगे आप 1 का क्यूब 1 माइनस, 2 का क्यूब 1 माइनस, 3 का क्यूब 1 माइनस, 4 का क्यूब 1 माइनस, 5 का क्यूब 125 में से 1 घटाएंगे 124, 6 का क्यूब 1 माइनस और 7 का क्यूब 1 माइनस। तो हमको डायरेक्ट क्यूब भी दिए जा सकते हैं या माइनस वन प्लस वन, ये माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन भी आपको दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट 169 क्वेश्चन मार्क 361 529 841 961। अगर आपके स्क्वायर भी याद हैं तो भी आपने पहचान लिया होगा कि ये सारे नंबर आपके स्क्वायर हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको जो लॉजिक लिखे थे उनमें स्क्वायर भी लिखे हैं क्योंकि स्क्वायर वाली सीरीज आपसे डायरेक्ट पूछी जाती है, इसमें भी एक कम या एक ज्यादा किया जा सकता है। इसको देखेंगे तो 13 का स्क्वायर है, ये आपका 19 का स्क्वायर है, ये आपका 23 का स्क्वायर है, ये आपका 29 का स्क्वायर है और ये आपका 31 का स्क्वायर है, 23, 29, देखिए 13। अब आपको ये देखना है कि ये सारे के सारे जो नंबर आ रहे हैं आपके ऑड नंबर आ रहे हैं, हमारे ऑड नंबर है, ये नंबर आपका स्क्वायर नहीं होगा। ये देखिए 14 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, 14 और 15, ये 14 का स्क्वायर है, ये आपका 15 का स्क्वायर है और ये आपका 17 का स्क्वायर है। तो हमने ये देखा कि ये सारे जो स्क्वायर आ रहे हैं वो प्राइम नंबर के स्क्वायर आ रहे हैं। आपके स्क्वायर तो हैं पर ये सारे नंबर आपके प्राइम नंबर है, जैसा कि 13 प्राइम, 19 प्राइम, 23, 29 और 31 प्राइम नंबर है। तो देखिए 15 भी विषम है, अब 15, 14 और ये 17, तो 15, 14, 17 में जो आपका विषम है, अभाज्य है, वो 17 है। तो इसका मतलब यहाँ पे 17 का स्क्वायर बनना चाहिए 289। तो इसमें जो लॉजिक छिपा हुआ है वो लॉजिक छिपा हुआ है आपका प्राइम नंबर के स्क्वायर आपके सामने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट 0, 7, 26, 63 क्वेश्चन मार्क 215, 342। अब इस सीरीज को आप ध्यान से देखें, ये जो सीरीज हमारे पास है ये 1 का क्यूब 1 माइनस, 2 का क्यूब 1 माइनस, 3 का क्यूब 1 माइनस, 4 का क्यूब 1 माइनस, सेम इसी तरह 5 का क्यूब 1 माइनस, इसी तरह बनेगा 6 का क्यूब 1 माइनस, 7 का क्यूब 1 माइनस। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो 124 बनेगा। सेम मैंने आपसे बोला था आपको स्क्वायर याद रखने, उसके आगे पीछे के नंबर भी आपके सामने डायरेक्ट आते हैं या क्यूब के आगे पीछे के नंबर भी आपको दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट -1, 6, 25, 62, 123, 214 और क्वेश्चन मार्क। अब आपने देखा यहां से जो गैप है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, या तो एक गुना वाला लॉजिक है या इसमें स्क्वायर वाला लॉजिक आपका काम करेगा। अगर ज्यादा गैप नहीं बढ़ता तो प्लस माइनस वाला। अब इसको देखते हैं, अगर इसको देखेंगे तो ये बनेगा 2 का क्यूब 2 माइनस, ये बनेगा 3 का क्यूब 2 माइनस, 4 का क्यूब 64 2 माइनस, 5 का क्यूब 2 माइनस, 6 का क्यूब 2 माइनस। तो सेम इसी तरह अगर आप देखेंगे 1 का क्यूब 2 माइनस, 1 का क्यूब 1 होता है 2 माइनस। तो हमें लॉजिक पहचान में आ चुका है कि इसमें जो क्यूब है उसमें से 2 घटाया जा रहा है। तो सेम आप इसी तरह इसमें करेंगे, 6 के बाद आएगा 7 का क्यूब 343, 343 में से 2 घटाएंगे तो 342। इस सवाल का जो आंसर आएगा 341, 343 में से 2 घटाएंगे 341। तो हमारे सवाल का जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट 0, 4, 18, 48, 100 क्वेश्चन मार्क। देखिए 0, 4, 18, 48, 100। अब इसमें अगर आप देखेंगे दो लॉजिक आपके काम कर सकते हैं, या तो आप इस सीरीज को डिफरेंस से कर सकते हैं या
आप एक काम कर सकते हैं, मुझे स्क्वायर है एक का क्यूब एक और माइनस एक का स्क्वायर जीरो बनेगा, दो का क्यूब आठ होता है, आठ में से चार घटा दो चार बनेगा, तीन का क्यूब सत्ताईस, सत्ताईस में से अगर आप नौ घटाएंगे तो अठारह बनेगा, चार का क्यूब चौसठ, चौसठ में से चार का स्क्वायर घटाओ अड़तालीस बनेगा, पांच का क्यूब 125, 125 में पांच का वर्ग घटाएंगे तो 100 बनेगा। अगला जो नंबर बनेगा 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, तो 216 में से अगर आप 36 घटाएंगे तो 0 बचेगा और ये 18 बचेगा। तो इस सवाल का जो राइट आंसर निकल के आएगा वो 180 आपका बनेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। तो मेन है आपको लॉजिक पहचानना कि आपके क्वेश्चन में क्या लॉजिक छिपे हुए हैं। तो आपको वीडियो की स्टार्टिंग जरूर देखनी है, मैंने आपको जो मेन मेन जो कंसेप्ट है वो वीडियो की स्टार्टिंग में आज कराए हैं। तो आज आपका अंतिम टॉपिक था जो कि मैंने आज आपको फाइनल करा दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट, आपसे मुलाकात होगी, थैंक यू। और हमारा एस चंद का यूट्यूब चैनल टेस्ट प्रिपरेशन को आप जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, थैंक यू।